आज़ादी के 75 साल बाद भी पानी की दिक्कत, पानी की कमी, गरीब के जीवन, खासतौर पर महिलाओं के जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसानों को, विशेष रूप से छोटे किसानों को, सिंचाई के पानी के लिए कई कठिनाइयों का सामना अक्सर करना पड़ता है। सरकार 2014 से ही इन हालात को बदलने में जुटी है। जल जीवन मिशन के तहत सरकार की कोशिशों से देश में करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। 2022-23 के बजट में हर घर जल मिशन को प्रमुखता देते हुए घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पाइप से पानी के कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को इस पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए बजट में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की बात कही गई है। सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में नदियों को आपस में जोड़ने के प्रोजेक्ट पर गंभीरता पूर्वक काम कर रही है ताकि किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा प्रदान कराई जा सके। बजट में खासतौर पर केन बेतवा को लिंक करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, इससे बुंदेलखंड को दशकों पुरानी पानी की समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकेगी। खेती और किसान के जीवन में बदलाव लाने इस योजना पर बजट में 44,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। 2022-23 के बजट के साथ सरकार का लक्ष्य है कि घरों में पर्याप्त पीने का पानी आए, सभी के खेत में पानी आए।